हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं विलास और आज की क्लास काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट एस्से को और ये एस्से होगा ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट्स पर। ठीक है, ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है स्पेशली दिल्ली हाईकोर्ट जेजे एग्जाम के लिए। और इसकी कम्प्लीट प्ले लिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जेजे एग्जाम के लिए वो आपको इसकी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ लेटर्स और ग्रामर का पोर्शन भी हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं और जितने इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन की एक्सरसाइजेस है वो भी हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो कम्प्लीटली आपको सब कुछ तैयार करने को मिल जाएगा कि प्ले लिस्ट से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इसको देख लेना। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको ट्रांसलेशन ऐसे लेटर के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर 100 प्लस आपको एसए के टॉपिक्स करा दिए गए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनके पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। और रीसेंट और ट्रेडिशनल टॉपिक्स भी इंक्लूडेड है, तो आपको अलग से कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ लेटर्स भी इसमें इंक्लूडेड है अराउंड 40 के अराउंड, तो उनको अगर आप तैयार कर लेते हो तो डेफिनेटली आप अच्छा लिख पाओगे लेटर भी। साथ ही साथ ट्रांसलेशन की एक्सरसाइजेस आपको 50 प्लस एक्सरसाइजेस यहाँ पे कवर करा दी गई हैं। साथ ही साथ ग्रामर का पोर्शन भी इनमें कवर करा दिया गया, तो आपको ग्रामर भी अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, दोनों चीजें आपकी इस बुक से प्रिपेयर हो जाएंगी और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक्स मिल जाएंगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। नहीं दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्लास की, कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है ये देख लेते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप बता सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू द राइज इन सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएटेड बाय ग्रीन हाउस गैसेस। अब दोस्तों यहाँ पर बता सकते हो कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है, ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग जो है किसके कारण होती है, सरफेस में हमारी सरफेस अर्थ के सरफेस पर टेम्परेचर के बढ़ने के कारण जो होती है ग्लोबल वार्मिंग होती है। और अर्थ का सरफेस कैसे बढ़ता है, जो सरफेस है उस पर टेम्परेचर बढ़ता है किसके कारण है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण बढ़ता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे क्रिएट होता है, ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा क्रिएट होता है। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो। बाकी ग्लोबल वार्मिंग इज अ बिग एनवायरमेंटल एंड सोशल इशू ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये एक सोशल और एक तरह से एनवायरमेंटल इशू है पूरी वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए। ठीक है, केवल इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड जो है इसको फेस कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस तरह से इसको बता सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग को यहाँ पर सिंपल भाषा में बता सकते हैं इसको। ठीक है, इट इज बिलीव दैट इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस ऑन द अर्थ आर द मेन रीजन ऑफ हीटिंग एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ। आप दोस्तों यहाँ पर बता सकते हो जो इंक्रीजिंग लेवल है ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का, जिसकी वजह से जो अदर ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो भी जो है एक तरह से हमारे अर्थ पे जो लेवल है वो बढ़ाते जा रही हैं टेम्परेचर का। मेन रीजन है हीटिंग ऑफ एटमोसफेयर। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के और अदर ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये सभी जो हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को हीट करते जा रहे हैं, हीटिंग को बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हो मेन रीजन जो है अर्थ टेम्परेचर का बढ़ने का वो यही है, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। ठीक है, इफ इट इज नॉट नोटिस्ड एंड सॉल्व इमिडिएटली इट वुड कॉज द एंड ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब दोस्तों बता सकते हो अगर इसको नोटिस नहीं किया गया और इमिडिएटली इसको सॉल्व नहीं करने की कोशिश की गई, इसकी इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व नहीं किया गया तो इसकी वजह से जो लाइफ है अर्थ पर वो खतरे में पड़ सकती है। नहीं दोस्तों, तो इस तरह से इस टॉपिक के बारे में आप बता सकते हैं, बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक को कैसे इलैबोरेट करना है, इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। राइट, आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। ग्लोबल वार्मिंग इज द मेन एंड ओनली रीजन ऑफ राइजिंग सी लेवल, फ्लडिंग, चेंजेस इन वेदर पैटर्न, स्टॉर्म, साइक्लोन्स, लैक ऑफ फ्लड एक्सेट्रा। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग की वजह से केवल टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा, उसकी वजह से और एसोसिएटेड काउस और भी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि सी लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, राइज हो रहा है, फ्लडिंग की प्रॉब्लम आ रही है, वेदर पैटर्न जो है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसमें बदलाव आ रहे हैं, स्टॉर्म्स जो हैं, साइक्लोन्स हैं, लैक ऑफ फूड है, ये सारी ही प्रॉब्लम एक तरह से जो इन्वायरमेंटल साइकिल है वही एक तरह से यहाँ पर डिस्टर्ब हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर दो इसके बारे में आप बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो और बता सकते हो कि क्या क्या कारण है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग किसको इसके चीज़ों को प्रभावित कर रही है। राइट,
इसके बाद देखो, इट हैज बीन रिसर्च दैट इंक्रीजिंग एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज द कॉज ऑफ नॉन स्टॉप बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, कटिंग फॉरेस्ट, एक्स्ट्रा यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैसेज यूज इन रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। ठीक है, एक तरह से आप ये कह सकते हो इट ये रिसर्च किया करके देखा गया है जो एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में, यही मेन कॉज है जिसकी वजह से नॉन स्टॉप फॉसिल फ्यूल भी तेजी से क्या हो रहे हैं, एक तरह से बढ़ रहे हैं। यूसेज जो है फर्टिलाइजर्स का बढ़ता जा रहा है, कटिंग फॉरेस्ट और एक्स्ट्रा यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रही, गैसेज यूज हो रहे हैं रेफ्रिजरेटर में, ये सभी कारण जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक है, इसी वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है बढ़ रही है इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो आप सभी लोग दोस्तों यहाँ पर बता सकते हो ये सारी ही चीज़ें जो हैं फॉसिल फ्यूल के ज़्यादा उपयोग करने से हो रही हैं, फर्टिलाइजर्स का अत्यधिक उपयोग है, कटिंग फॉरेस्ट को कटिंग करने से, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करने से, और गैसेस जो है रेफ्रिजरेटर में यूज़ हो रही है, सब के कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है एनवायरमेंट में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। राइट दोस्तों, आगे हम लोग मूव कर रहे हैं इसी में बॉडी सेक्शन में ही। ओजोन लेयर कॉजेस प्रोटेक्शन टू द अर्थ सरफेस बाय इनहेबिटिंग द हार्मफुल रन रेज टू कमिंग टू अर्थ। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर आपको पता है स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, ये प्रोटेक्ट करती है बेसिकली अर्थ को, क्योंकि जो हार्मफुल सन रेज यूवी रेज आती हैं सन से उनको ये इनहेबिट यानी रोक लेती है। ठीक है, अर्थ पे आने से रोक लेती है। राइट, ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग ओजोन लेयर इज द बिग इंडिकेशन ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस। ठीक है, धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब क्या है यहाँ पर, धीरे धीरे स्लोली क्या है, ओजोन लेयर क्या हो रही है धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, तो ये एक बड़ा आप कह सकते हो बड़ा इंडिकेशन है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का सर्फेस भी धीरे धीरे क्या हो रहा है इसमें टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हैं इसके बारे में, ओजोन लेयर के रिगार्डिंग यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। द अल्टीमेट कॉज ऑफ सच रीजन आर द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, डिफॉरेस्टेशन, प्रायोरिटी टूवर्ड्स अर्बनाइजेशन एक्सेट्रा। दोस्तों आप यहाँ पर बता सकते हो इसके पीछे अल्टीमेट रीजन क्या, अल्टीमेट कारण क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है टेक और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, तो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन है ये भी एक बड़ा कारण है, साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन जो है, प्रायोरिटी टूवर्ड्स अर्बनाइजेशन, ये सभी कारण जो है एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जो है ओवरऑल जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर इसके बारे में बेटर तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो और लिख सकते हो, और आई होप यहाँ तक आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कैसे इस टॉपिक को आपको लिखना है अच्छे से। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर, कंक्लूजन में देख लेते हैं कैसे आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। कंक्लूजन में आप सोल्यूशन दे सकते हो कि क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है इसके रिगार्डिंग और वे फॉरवर्ड क्या है। जैसे द ओनली सोल्यूशन टू सॉल्व द इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज इंडिविजुअल लेवल सोशल अवेयरनेस। ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए, लोग गवर्नमेंट को कैंपेन चलाने चाहिए ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, ताकि सभी लोग जो है इसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाएं। राइट, पीपल मस्ट बी अवेयर ऑफ इट्स मीनिंग, कॉज, बैड इफेक्ट एंड अदर थिंग्स अबाउट ग्लोबल वार्मिंग टू गेट इट इरेडिकेटेड फ्रॉम वर्ल्ड वाइड। अब दोस्तों बता सकते हो लोगों को अवेयर कराना होगा उसकी मीनिंग से, कॉजेस से, बैड इफेक्ट है और अदर थिंग इससे रिलेटेड जो हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को एक तरह से इरेडिकेट किया जाए, ख़त्म किया जा सके वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व से पूरी तरह से इसको खात्मा किया जा सके। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसका सोल्यूशन भी दे सकते हैं बेटर तरीके से। जस्ट स्मॉल चेंजेस इन एवरी वंस लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड वी कैन एबल टू स्टॉप द ह्यूज नेगेटिव चेंजेस इन एटमॉस्फेयर बाय लेसनिंग द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड इवन स्टॉप इट अ डे। अब दोस्तों बता सकते हो छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे बदलाव जो हैं अगर हम सभी लोग अपनी लाइफ में करते हैं और पूरे वर्ल्ड में छोटे छोटे बदलाव होते हैं, तो उसकी वजह से हम सभी जो हैं जिसके निगेटिव इम्पैक्ट को रोक सकेंगे और एटमॉस्फेयर में जो इफेक्ट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग को, धीरे धीरे उसको रोका जा सकेगा और एक दिन पूरी तरह से खत्म भी किया जा सकेगा। राइट दोस्तों, तो इस तरह से इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे इसको लिखना है अच्छे से। राइट फ्रेंड्स, और इसी तरह से आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।
आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।